a mouse, cause I'm an albatross. Hello guys, welcome to my channel. और आज ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में अब मैं आपके लिए लाया हूँ Erangel 2.0 के एक ब्रीफ व्यू के लिए. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Erangel में 2.0 में क्या सब नए चीज़ें आए हैं, क्या सब होगा, लाइक सब बिल्डिंग चेंजेस और ग्राफिक्स ये वो सब कुछ देखने वाले हैं. सो यस, शुरू करते हैं. तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्पॉन आइलैंड में और ग्राफिक देखो तो बढ़िया लग रहा है यार, लाइक एकदम असली की तरह, लाइक बूम्बा. अब बस ये बीटा वर्जन अभी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ग्लोबल वर्जन में कैसा आने वाला है, हमें नहीं पता. पर भाई खतरनाक दिख रहे यार ग्राफिक्स भाई. और इसमें मजेदार, अब भाई देखो एक प्लेन, ये प्लेन का चीज देखो भाई. मैं पहले प्लेन बीच में था, कुछ नहीं था, प्लेन के टायर वेयर सब कुछ बाहर लाया गया है और प्लेन भी एक साइड पे किया गया है और लाइक देखने में भी तगड़ा है यार एक्चुअल में. और गाइस मैप में भी चेंजेस लाए इन लोगों ने, लाइक जस्ट क्या बोलते हैं, लैंड के बाहर वाले को थोड़ा सा लाइट करके और बाहर के पानी को डार्क कर दिया गया है. और अभी हम पहले चलते हैं मैंशन में, देखते हैं कि मैंशन में पहले क्या चेंजेस आया है, क्योंकि न्यूज़ बहुत आया कि ये वो चेंज हुआ है. तो बस देखते हैं. तो गाइस अगर आप लोग पहली बार मेरे से पहला वीडियो है तो बोलना मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का, क्योंकि लाइक थोड़ा तो सब कुछ देखो यार, पहला वीडियो है, थोड़ा मोटिवेट भी हो जाऊंगा फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए. सो हम पहुंच चुके हैं मेंशन में. सो इसे देखकर नहीं लगता कुछ कि बदल गया है, तो चलो देखते हैं. ये वाले छोटा कॉम्प्लेक्स तो ऐसा है वैसा ही है, बस थोड़ा सा रिफर्बिशिंग किया गया है, अंदर पेंट लगा है, वॉलपेपर लगा हुआ है. और भाई एक नोटिस करो भाई, इसका हेलमेट भाई खतरनाक चमक रहा है यार, लेवल 1 का हेलमेट तो, और ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी स्किन है इस पे. मतलब ग्राफिक्स को इन्होंने लाइक अगले लेवल पे अनाउंसमेंट किया दिया कर दिया है. तो बॉडी बिल्डिंग में भी कुछ फर्क नजर आ नहीं रहा, बस सीढ़ियों पे ग्रिल्स लगे हुए हैं. और एक्चुअली सब घर में लगाया गया है सीढ़ियों पे ग्रिल्स, और हाँ वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा छोटा कर दिया शायद, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दिया भाई उन लोगों ने इस बड़े वाले बिल्डिंग को. तो अभी नजर डालते हैं स्कोडोस पे, तो स्कोडोस पे ज्यादा चेंजेस दिखने रहा, बस वो बक्से थोड़ा बड़ा कर दिया इन लोगों ने और गोग्रिल्स सब जगह पे लगाया हुआ है. और भाई इधर के बक्सा, ओ भाई इधर छोटा बक्सा था अभी, ओ ये अच्छा करते हैं भाई, कोई कैंप नहीं करेगा अभी उस जगह पे. और हाँ वैसे भी बहुत कम लोग करते थे टीवी पे लेते वक्त, पर भी फिर भी हाँ. और ओ भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई, ये क्या कर दिया भाई पबजी वालों ने भाई, घर को तोड़ दिया भाई लोंडो ने. व्हाट इज दिस बिहेवियर पबजी, घरों को तोड़ रहा है. तो ऐसे इतना डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा अभी के लिए, तो एक और घर उसे भी देखते हैं.
इस घर में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है मुझे, क्योंकि देखते हो कि आपको पता चलेगा कि बाहर से वो बालकनी पे देखो, इट्स लाइक जो पहले साफ बन रहे थे उधर अभी नहीं बच सकते, क्योंकि लाइक गैप दिया गया है बंदों में शूट करने के लिए। सो ये बहुत सही किया इन लोगों ने। और उधर स्टे ओके स्टे किस या और भाई इन लोगों ने रूम भी शिफ्टिंग कर दिया, ये तो हमें पहले पता था क्योंकि बाकी चैनल्स पे अपडेट आ गया था कि वो कमरा शिफ्ट होने वाला इस साइड। सो या यही था मेंशन का, अभी चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। ओके अच्छे चेंजेस हो। ओ भाई साहब, भाई इन लोगों ने प्रेजेंट को पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया, लाइक खतरनाक कर दिया भाई, बदल दिया। नहीं देखो वेयर हाउस देखो, उन टावर के देखो टावर फुल कवर कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इधर ऊपर जा सकता है अभी। और ये तो गलत कर दिया भाई वेयर हाउस पे, लाइक अगर ऊपर बंदे हैं और तुम वेयर हाउस में छुपे हुए हो तो तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा, मतलब बूम्बा। और कंपाउंड वॉल भी लगे हुए हैं वो भी अच्छा है, लाइक अब फाइट अच्छे तरह से ले सकते हो, तगड़ा फाइट होगा भाई, ये बेस्ट है भाई। अब नेक्स्ट अपडेट के बाद सब लोगों को एयर ड्रॉप से डीबीएस, एयर ड्रॉप में डीबीएस आने का कंसेप्ट चला जाएगा भाई, खतरनाक भाई। दिस लाइक मेरा सबसे पसंदीदा अपडेट में से ये एक है, क्योंकि आपको डीबीएस नॉर्मल ड्रॉप में मिल, नॉर्मल लूट में मिल रहा है, ड्रॉप में भी नहीं। और ड्रॉप में आपको लाइक अभी टेंशन ही नहीं, आपको जो गन्स चाहिए वही रहेंगे, कोई लाइक नया वाला नहीं है वो डीबीएस वाले का टेंशन ये वो सब। सो या दिस ये इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया फर्जी वालों ने, गाइस। और इस प्रिजन वाले इस बिल्डिंग में उतना कुछ फर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बस वो उन्होंने प्रिजन का वो जो गेट्स लगाया था एक दो कमरे में वो हटा दिया गया है और कुछ नहीं। और भाई लिटरली सब कुछ फर्बिश कर, ओ भाई अरे भाई उधर लाल गोल हुआ करते थे, क्या हो गया भाई, पबजी वाले जहर निकले गाइस, खतरनाक जहर, लाइक घर को ही चेंज कर लिया इन लोगों ने। ओ भाई सब तो इसे बाहर से थोड़ा तगड़ा दिखता है प्रिजन, अभी लाइक ऐसा लग रहा है कि एक लोकेशन तगड़ा लोकेशन है, क्योंकि पिछले वाले में छोटे छोटे घर और बहुत सारे ओपन एरिया थे, अभी ओपन एरिया है पर एक्चुअल फाइट रहेगा, तगड़ा बूम्बा होगा, लाइक लॉन्ग लास्टिंग फाइट बोलते ना वैसा। नहीं तो पहले क्या होता था, बंदे आते थे मारते थे जाते थे। सो अभी प्रिजन के अंदर लगभग 3 स्क्वाड कैंप कर सकती है, और इस घर को ही देख लो भाई कंप्लीट चेंज कर दिया इन लोगों ने, लाइक क्या बोलते हैं, एक हेडक्वार्टर की तरह बना दिया भाई। और ओ भाई उस घर को भी चेंज कर लो, वाह पबजी वाह, सच्ची में यार पबजी वाले कुछ भी कर देते हैं। और इधर ऊपर जाने के लिए भी सेपरेट सीढ़ी, मतलब भाई ये ओके ये रूम इतना फायदेमंद होने वाला नहीं है, बस स्नाइपर्स के लिए थोड़ा फायदेमंद होगा और कुछ नहीं। और भाई रेड डॉट, भाई मैंने सच में बता रहा हूँ पहले देखा नहीं, अभी एक नोटिस किया था रेड डॉट कैसा है, लाइक पिछले अभी जो चल रहा है हमारा ग्लोबल वर्जन जो आप देख सकते हैं उसमें रेड डॉट सिर्फ एक स्कोप होकर उसमें एक जस्ट डॉट होता था, और इसमें ग्लास आ गया भाई, ग्लास के ऊपर एक रेड कलर से डॉट बना दिया है पबजी वालों ने। तो इट्स लाइक क्या बोलते हैं पीसी का फील ला रहे हैं भाई पबजी वाले, विच इज एग्जैक्टली ऑसम थिंग। और या इस घर को भाई, भाई ये घर तो सच में बता रहा हूँ कंफ्यूज करके छोटे के बंदों को। और
हाँ भाई, टगुरा लेक कैंपिंग भी चाहते है भाई, टगुरा कैंपिंग रहेगा अभी प्रेजेंट के रहे हैं। और अभी देर में लगे एक सेकंड के लिए धोखा दे जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं था तो हम आगे मिल्टा पार्क की तरफ। सो भाई मिल्टा पार्क देखते बढ़िया लग रही यार अपडेट के बाद। ओ भाई भाई इन लोगों ने इसने क्या किया कि वेयर हाउसेस जो उस तरफ थे वो इस तरफ ला लिया, मतलब जो पीछे थे वो आगे ला लिया। और वेयर हाउस भी एक्चुअली तगड़ा बना है भाई, अच्छा क्या बोलते हैं, एक अच्छा लुक दिया कलर कॉम्बिनेशन ये वो करके। और भाई एक चीज इन लोगों ने ये की कि उन लोगों ने ग्रीन कलर की बॉडी बिल्डिंग हटा दी है और उसकी जगह पे ये नया वाला बिल्डिंग ला दिया है जो लाइक बहुत बड़ी है, पर क्या बोलते हैं वो ग्रीन कलर बिल्डिंग में फील यहाँ लगता है। इसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ग्लोबल वर्जन में आने के बाद बंदे कैसे खेलते हैं क्या करते हैं पता नहीं, किसी को नहीं पता। सो देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है ये अपडेट। और इसमें एंट्रेंस एक ही है भाई, लाइक पीछे से कोई आ नहीं सकता, आना है तो मेन गेट से आना होगा और साइड वाले बगल वाले बिल्डिंग से। भाई क्या बोलते हैं इन लोगों ने एग्जैक्ट पावर प्लांट की तरह की है भाई, एग्जैक्ट लाइक जैसा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ऐसा वैसा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है वैसे पावर प्लांट जैसा बना दिया इन लोगों ने मिल्टा पार्क को। और ये टूटा हुआ डोम है इसमें एक लग, क्या बोलते हैं अच्छा भी कर दिया, पर बोलते हैं आप जब भी नए अपडेट आएगा तो पहले वाले रंग को बहुत लोग मिस करेंगे, लाइक इसको यूज तो होने में टाइम लगेगा इस वाले मैप पे। आपको नए बिल्डिंग्स है, नया सब कुछ नया है भाई, और घास है और पेड़ पौधों पौधों को ज्यादा कर दें लोगों ने, खतरनाक ज्यादा कर दें लोगों ने। सो चलो दूसरे बिल्डिंग्स भी देख लेते हैं। भाई और ये कंटेनर्स पर क्या कर जाए, ओपन कंटेनर्स रख लिया इन लोगों ने, नॉनसेंस। और इस वाले वेरस में लाइक बहुत भरा कर दिया भाई इन लोगों ने, लाइक वेरस भी थोड़ा सा स्पेशल कर दिया, बक्से को कम कर दिया और बक्से वो तब थे ना उसको एक तगड़ा बना दिया, लाइक कवर भी आपको अच्छा मिलेगा, टीवी भी एंगल भी तगड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत होगा। सर हाँ ठीक ठाक है, देखना पड़ेगा एक्चुअल रिफर्बिश होके कैसा आता है ग्लोबल वर्जन में। और ये हमारा जो छोटे छोटे ओपन वेयरहाउसेस होते थे ना जहाँ पर हमको छोटे छोटे गन्स मिलते थे, हमें कम लूट मिलती थी छोटे गन्स के, हमें कम लूट मिलती थी वो चीज। सो इसके बाद हम चलते हैं मिल्टा फैक्ट्री की तरफ। और भाई इन लोगों ने लाइक मैप में भी लाइक एग्जैक्ट क्या चीजें दिखा दी भाई, देखो एक वाला टूटा हुआ है और एक वाला सही है, सो टूटे वाले को टूटा दिखा दिया और सही वाले को सही दिखा दिया, उस डोम को और टनल लॉगर कुछ भी चिमने तक के थे ना वो। निकल पड़े मिल्टा फैक्ट्री की तरफ, देखते हैं कि मिल्टा फैक्ट्री में क्या नया अपडेट है। गाइस मिल्टा फैक्ट्री में अगर आप देखना चाहे देखने चाहोगे तो उतना बड़ा कुछ नहीं किया, बस चीजें थोड़े अलग कर दिया भाई, ग्राफिक्स एनहांस कर दिया और
गेट से मिल्टन पर अंदर जाने तक का रास्ता लाइक बहुत ज़्यादा कर दिया, लेंथ रोक कर दिया इन लोगों ने। अच्छा मैं इसको फिक्स कर ब्रोन कर लेता हूँ। ओके सो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे, चलो ऊपर जाके देखते कि क्या डिफरेंस है। क्योंकि मेरे को लाइक 1% तो डिफरेंस रहेगा ही भाई। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ऐड किया गया है बस, वो देख रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं। ओ भाई ये बाहर वाला लोकेशन कंप्लीट चेंज कर दिया भाई इन लोगों ने, वो जो टूटे हुए पाइप्स हुआ करते थे वो कुछ भी नहीं है अभी इधर, बस एक प्लेन है। और ओके ये भी अच्छा करता है कि आप एक ही साइड से अंदर बाहर जा सकते हो, दूसरे साइड कंप्लीट बंद किया गया है क्योंकि कोई या फिर उस साइड पे ना लाइक सबसे को गंदा दिखता था भाई पहले वाले में। सो इसमें लाइक थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया गया है ये सब कुछ। सो बस उतना ही, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। फैक्ट्री की तरफ वो बाहर भी एक नजारा डाल देते हैं कि कैसे आई भाई लॉन्ड्री कंटिन्यूस का क्या सीन है भाई। इन लोगों ने इधर उधर ओपन कंटिन्यूस रखा हुआ, जो आगे से भी ओपन है पीछे से भी ओपन है। ये कुछ स्कैम हो गया था। भाग गए मिल्टा की तरफ। मिल्टा में मैं सच में आज तक मुझे नहीं पता उसके ठीक से क्या कहते हैं। कुछ लोग रेस्टोरेंट कहते हैं, कुछ लोग डिनर डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम कहते हैं और कुछ लोग शॉप कहते हैं। सो इस जगह को भी उसको चेंज कर नहीं किया गया पता नहीं क्यों। उतना कैसे है भाई, कुछ भी चेंज नहीं किया भाई। ये तो वैसा जैसा था वैसा ही रख लिया इन लोगों ने इस वाले बिल्डिंग को। और अब अगर आगे देखोगे तो उधर स्टेज बनाया गया है भाई, स्टेप्स। लाइक क्यों क्यों पबजी। और ऐसे बाहर ज्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है, स्टेज क्यों बनाने की जरूरत क्या थी। और भाई ये लोकेशन बीच साइड जैसा बना दिया भाई, जस्ट मिल्टा के बाहर जो होता है ना जहाँ पर बोट लॉन्डे बोट लेने के लिए आते हैं, वो लाइक कंप्लीट बीच की तरह बना दिया भाई, लाइक फुल बूमबम हो गए इधर। कोई साफ नहीं बनेगा, जो भी बोट लेने के लिए जाएगा वो भी पकड़ा जाएगा इजी। और बाहर आके सांप भी बन गया तो भी बच नहीं सकता। और उसके बाद आ चुके हैं मिलिट्री बेस में भाई। मिलिट्री बेस में सच में बता रहा हूँ इतना चेंज किया है कि लाइक बूमबम कर दिया भाई। देखो भाई गाय पहले से सांप ज्यादा थे और अभी सांपों का नगरी बनेगा भाई। अगर एक बात बता रहा हूँ, अगर जो मिलिट्री बेस में बनेगा इस अपडेट के बाद, मतलब फील बैटल तक जाने का तगड़ा परसेंटेज है भाई, अराउंड 50% मैचेस फील बैटल पे ही जाएगा। क्योंकि देखो भाई इतने घास से और पहला मार चुके इस केव की तरफ, इस केव को कंप्लीट बदल दिया गया है भाई। मतलब एक फुल फ्लेज स्क्वाड इधर फाइट ले सकती है, वो भी तगड़ा फाइट। वो पहले जैसे वाला नहीं है कि ओके ओपन है ऐसा वैसा, इसमें अच्छा खासा कवर बना दिया उन लोगों ने और सब कुछ बढ़िया कर दिया भाई, लिटरली बढ़िया कर दिया। और मुझे जो पसंद है वो ऊपर कह रहे हैं भाई। रुको दिखाता हूँ मैं आप लोगों का भी। भाई ये ऊपर का एरिया है ना, इन लोगों ने चेंज करके लाइक और अनाउंसमेंट कर दिया भाई फाइट को। क्योंकि लिटरली एक एक केव के ऊपर अंदर एक एक स्पॉट देख के फुल फ्लेज तगड़ा फाइट ले सकती है। पत्थरों का कवर है और नीचे बॉक्सेस का कवर है, लाइक क्या ही बोले भाई। पबजी इवेंगल 2.0 ने धमाका कर दिया भाई सच्चे में।
मतलब मजा आ गया। तो मिले थे भाई इसमें ज्यादा, बस एक चेंजेस था, दो दो पेड़ पौधे लगा दिया भाई। पीछे पहले ओपन एरिया था, अभी पेड़ पौधे लगा दिए। और ये शायद उनका लाइक मेन कंट्रोल ऑफिस है। एक्चुअली मुझे ऊपर जाके पता चला कि शायद कंट्रोल ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि उधर ऊपर जो लाइट इधर कंप्यूटर का सामान सब देखते हैं। ओके, कंफर्म हो गया कि ये कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर की तरह ही रहेगा। सो या बस एक छोटा चेंज है, और जो आगे बॉक्स था वो हटा दिया उन लोगों ने। और या तगड़ा टीपीपी फाइट हो सकते हैं इसे, लाइक मिली के बेस में वही बता रहा हूँ गाइस, मैच तगड़ा रहेगा, लाइक फुल ऑन बूम बम जाएगा भाई, फुल ऑन बूम बम। और ये उसे क्या बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता, पर जो भी इधर मार फाइट्स अच्छे होते थे, पर अभी इन लोगों ने शायद इधर उतने ध्यान नहीं दिया, उतने डिफरेंसेस कुछ नहीं लाए इस एरिया में, क्योंकि जो दिखता है उस सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं ऐसा। बस इन लोगों ने बीच में ये ऐड कर लिया, क्यों मुझे पता नहीं, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है कुछ नहीं पता। और अगर आप ये बेस देखोगे भाई, लाइक कवर भी अच्छा बना, इस एरिया पे उन लोगों ने घास कम कर दिया और पीछे के एरिया में ज्यादा कर दिया, क्यों मुझे नहीं पता। बस इस एरिया में घास इन लोगों ने बहुत कम कर दिया भाई, और इसको सिर्फ बाहर से शायद रिफर्बिश किया है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस दिख नहीं रहा जैसा था वैसा ही है। और भाई वो ये जो छोटे छोटे ट्रेंचेस थे बूम्बा बड़ा कर दिया, और इधर उधर फ्लैग लगा दिया ऊपर सी बिल्डिंग के ऊपर में, कोई चेंजेस दिख नहीं रहा उतने ज्यादा। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज। और एक बात बता रहा हूँ भाई, इसमें बॉट्स इवॉल्व हो गए भाई, लाइक तगड़ा फाइट दे रहे बॉट्स, डैमेज भी अच्छा खासा दे रहे अभी, पता नहीं लाइक मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब बॉट्स भी असली प्लेयर की तरह खेलने लगेंगे। अब गोल्ड प्लेयर हो तो गोल्ड के बॉट्स, कॉन्करर हो तो कॉन्करर के बॉट्स, ऐसा होंगे। तो हम उसके बाद आ चुके इधर क्रेन की तरफ, और पावर और कुछ भी जो तुम खेलते हो, पर मुझे इधर ऊपर जाते वक्त उतना डिफरेंस कुछ नहीं दिखाई दिया, लाइक फुल टू नॉर्मल है। बस बीटा वर्जन होने के कारण मेरा कंट्रोल कुछ अटक रहा है, क्योंकि मेरा सेंसिटिविटी मैंने चेंज नहीं किया था, बस गायरो का सेंसिटिविटी मैंने चेंज किया था, एडीएस और कैमरा का वैसा ही है डिफॉल्ट। सो हाँ गाइस, इधर जो बीच में खंबे और से हुआ करते थे उसको हटा दिया गया गाइस, क्यों भाई। इधर कैंपिंग करते वक्त सिर्फ वो एक कम्बा ही हमारा सहारा रहता था कि हम बच सके, अभी उन लोगों ने उसको भी हटा लिया। पबजी वाले करना क्या चाहते हो यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर पबजी, आई डोंट नो व्हाट टू टेल। तो अभी हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ, और हम वहाँ पहुँचे स्कूल के एरिया में। गाइस एक लाइक अच्छा चेंज होता है कि स्कूल का बाहर के एरिया इन लोगों ने बहुत चेंज कर दिया, लाइक घास वेस लगा के फाउंटेन भी चेंज कर दिया इन लोगों ने, लाइक असली स्कूल की तरह कर दिया भाई। एक्चुअली बाहर से लुक अगर आप देखोगे तो, और अंदर भी उतने ज़्यादा चेंजेस दिख नहीं रहा मुझे। ऑडिटोरियम होता है वैसा ही बना दिया भाई, लाइक
फुल वुडन मैट और लंबा, शायद थोड़ा लंबा कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं शायद स्टेप्स को उन लोगों ने छोटा करके लंबा दिखा दिया। और भाई लोग ये एरिया तगड़ा कर दिया भाई, क्योंकि आपको ऐसे सिर्फ एक ही जगह पर लेना, अगर आप अभी के जो ग्लोबल ओशन देख रहे हो तो आप लोगों को लाइक कंपार्टमेंट तो मिल जाते हैं उधर, और इसमें से एक क्या बोलते स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट पार्ट है आपको बाहर आने का, तो ये भी अच्छा करता है भाई। और हाँ उसमें इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला, बस बास्केटबॉल को भी इन लोगों ने रिफर्बिश किया है, लाइक बूम्बा बास्केटबॉल कोर्ट को बना दिए एक, विच इज क्रेजी। और इधर गेटवे भी बना दिया, वो भी अच्छा दिख रहा है, लाइक लुक्स एनहांस कर रहा है भाई, बस उतने फायदा कुछ नहीं है, बस लुक्स थोड़ा अच्छा बना रहा है। तो उसके बाद देखते हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में मेरे ख्याल से उतना चेंजेस दिख नहीं रहा नीचे की एरिया में, और नीचे के वैसे को वैसे रख दिया भाई इन लोगों ने, अभी ऊपर जाके देखेंगे। और स्कूल का बाहर वाला हिस्सा मैंने अभी देखा था, पेंट किया गया है चीज ओके। और स्विमिंग पूल में नया टाइल्स लगाया गया भाई, और बस टाइल्स ही चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस आज दिख नहीं रहा हमें। इधर का जो अंदर वाला मैं दिखाना भूल गया, अभी देखा मैंने वीडियो एडिटिंग करते वक्त, उधर एक बक्सा हुआ करता था बीच में, उसको हटा दिया उन लोगों ने, और इस वजह से भी तगड़ा बता दिया भाई, छोटा है बट तगड़ा है, एक डोर वाले क्या बोलते हैं उन लोगों ने एक्चुअल रियलिस्टिक लुक लाने की कोशिश की है, जो पबजी पीसी में रहता है ना वो वाला। तो इसके बाद हम चलते हैं किसी और जगह पे, और वो होगा शायद रोजा हिल्स, रोजा के हिल में जा देखते हैं कि क्या चेंजेस आया रोजॉक में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोजॉक में अपना चेंजेस आ चुका है। भाई साहब ये इसको क्या बोले भाई साहब, देखो फ्रेंसेस बना दिया भाई, डायरेक्ट रश नहीं कर सकते, फ्रेंसेस है सब जगह पे, अभी आपको अंदर आना है तो डायरेक्ट नहीं आ सकते, कूदना आना पड़ेगा या फिर जिधर गैप है उधर से आना पड़ेगा। इट इज लाइक अगर आप बाहर से रश करते हो तो आपके लिए नुकसान है, जो अंदर है उनके लिए फायदेमंद है थोड़ा बहुत, ये नहीं बोलना कि कम्प्लीट फायदेमंद है, क्योंकि फाइल हो सकती है, गोलियाँ पास हो सकती है, शायद मैंने चेक नहीं किया। और देखते देखते लाइक उतना डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा भाई रोजॉक में, वैसे तो वैसे ही है, बस थोड़ा गर्म को रिफर्बिश किया गया है और कुछ नहीं। सो इधर से हम निकल के चले जाते हैं हॉस्पिटल के पास, चलो देखते हैं हॉस्पिटल में क्या चेंजेस है भाई। लोगों ने बोर्ड भी बना दिया भाई हॉस्पिटल के लिए, वाह तगड़ा बोर्ड हॉस्पिटल लिखते हुए। और अंदर के साइड पे कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा भाई मुझे, एक कंप्लीट नॉर्मल ही है, और बाहर से वो स्टेज था वो उधर ही है फेंसेस, तो उधर ज्यादा कुछ नहीं था देखने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आया जॉर्ज पुल कंटिन्यूस की तरफ ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस है। और बूम सो देखो भाई, पहले आके मैंने देखा कि घास भाई पहले ओपन हुआ करता था, अभी सांपों की नगरी जॉर्ज पुल बन जाएगा भाई, मिलिट्री बेस और जॉर्ज पुल अभी लाइक सांपों का नगरी जैसा चीज बनेगा। नहीं आप लोग कंटेनर से नीचे उतरते हो तो सांप, कंटेनर के ऊपर चढ़ते तो सांप डस्ट लेता है, लाइक लिटरली इतना घास दिया क्यों है भाई पबजी वालों ने, वो भी इन जगहों में जॉर्ज पुल जैसे, पहले से बहुत कम बंदे आते थे और वो भी कैंपिंग करके मरते थे,
और अभी भाई कैंपिंग खत्म हो, अभी सांप बन के मरेंगे भाई, दस्त लेंगे। What is this behavior PUBG? और कंटेनर्स को देखते हुए सब कुछ चेंजेस लग नहीं रहा भाई हमें। इसमें कुछ चेंजेस बड़ा चेंजेस नहीं है भाई, इसमें नॉर्मल झाड़े लग रही है बीच बीच में और बस उतना ही है। अभी क्रेन पे जाके देखना पड़ेगा क्रेन में क्या चेंजेस बना हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बार गया था क्रेन में, लाइक अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो क्रेन मुझे लग रहा है कि ऐसा लाइक हाइट में छोटा कर, ओके सो मुझे लग रहा है कि टॉप कर दिया भाई लोगों ने क्रेन की हाइट को। चलो अभी इसको कॉल आ गया तो वॉइस ओवर को पॉज करना पड़ा, अभी मैं भूल गया कि किधर था। तो क्रेन का हाइट थोड़ा बहुत शॉर्ट कर दिया भाई लोगों ने, तो लाइक इतना नहीं पता मुझे, पर दिख रहा है भाई बाहर से। तो अभी क्रेन की तरफ चलते हैं। देखो भाई लुक्स भी इन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया भाई क्रेन के बाहर से, जब वो तार होते हुआ करते थे अब उन लोगों ने स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया भाई, लाइक एक्चुअल स्टैंड में। ऊपर चल के देखते हैं क्रेन के तो बहुत को भी मार देते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था। अगर कुछ गलती हो गई तो भी भाई कर लेना है सब्सक्राइब अपने भाई चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।